अस्सलाम वालेकुम गाइस, पहले अपना पोस्टर डिजाइन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पर विड्थ और हाइट को 1500x1500 ऐड कर देना है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को हम लोगों ने व्हाइट कर देना है और ओके कर देना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और सॉलिड कलर पर सिलेक्ट कर तो मैं यहाँ पर सिंपली इधर कोड ऐड कर दूंगा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। मैंने ये इमेज डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा सारी इमेज, तो आप लोग जाके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी पर क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। आपका इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये एफएक्स पे क्लिक करके ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर से हम लोगों ने शेडो का कलर चेंज कर देना है ताकि सारी इमेज का शेडो ब्लैक नहीं होता, जो एग्जैक्ट होता है। जिस बैकग्राउंड इमेज पर शेडो पड़ रहा होता है उसका थोड़ा सा कलर ऐड हो रहा। तो इधर नॉइज को मैंने 2 ऐड किया है, तो मैं ये साइज और ये सेटिंग आप लोग देख लें। ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये मैंने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली है और ये इस तरह कट पीस किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसे स्केल छोटा करने के बाद एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद इस लेयर को सिलेक्ट करना है और डुप्लीकेट कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बना लिए और यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लिक करके अप्लाई टू मास्क पर हम लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पर मैजिक वाइट टूल सेलेक्ट करना है और मोबाइल की वाइट स्क्रीन पर क्लिक करना है ताकि हमारा जो शेडो है वो सिर्फ वाइट स्क्रीन पर ऐड हो। तो इधर मैं शेडो ऐड करूँगा और आप लोग ये देख सकते हो येलो शेड में थोड़ा सा ऑरेंज टाइप शेडो है। मैं इसको स्लाइटली थोड़ा सा कम कर लूँगा और ओके कर दूँगा। और यहाँ पर फिल्टर में जाना है। फिल्टर पे जाने पे जाने के बाद शार्पन ऐड कर देना है। शार्पन ऐड करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इधर हम लोगों ने क्लिक कर देना है और मैंने यहाँ पे बर्गर टेक्स्ट ऐड कर दिया है। और यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट करना है। फॉन्ट मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट ऐड करूँगा, आप लोग इजीली देख सकते हो। ये डार्क गॉथिक रफ का नाम है ये, तो इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है और यहाँ से स्केल वाइज इसको रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग रोटेट करेंगे और इसके बाद फिर इधर से दोबारा मैं 180 की जगह 90 ऐड करती है और ये दोबारा हम लोगों फिर दोबारा 90 ऐड करना है। दोबारा 90 ऐड किया और ओके पर क्लिक कर देना है। दोबारा 90 ऐड किया और हम लोगों ने टिक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बर्गर टेक्स्ट को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ताकि हमारा बर्गर ऊपर शो हो और यहाँ से टेक्स्ट को थोड़ा सा माइनर सा छोटा कर देना है। और ये हमें यूनिक टाइप शो हो रहा है और यहाँ पे चेक पर हम लोगों ने क्लिक कर देना है। बर्गर को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल जे करूँगा और इसके लेयर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मूव कर लेना है और ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल दोनों करने हैं ताकि हमारा टेक्स्ट सही हो जाए।
एडजस्ट करने के बाद चेक पर क्लिक करना है और ये टेक्स्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा और इसे स्पाइसी के नाम से ऐड कर दिया है, स्पाइसी बर्गर, और ये अच्छा लग रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लाऊंगा और ये मोबाइल के सेंटर में आ गया है। ये वाली इमेज भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग जाके सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, लेकिन बेसिकली हमें मोबाइल जो एग्जैक्ट शो करना है। मैं वैसे बेसिकली एंड्रॉयड यूज़र हूँ और ये इमेज आईफोन की है, और इसको स्केल वाइज छोटा करने के बाद इधर एडजस्ट किया है और यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान से इसे फिक्स करना है। और मैं और थोड़ा सा जूम करने के बाद ये बैटरी साइन वगैरह एडजस्ट करने के बाद टेक्स्ट लूँगा, टेक्स्ट पर यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम शो करूँगा। तो ये टाइम शो करने के लिए मैं इसे स्केल वाइज छोटा करूँगा और यहाँ पर भी इसे चेक कर दूँगा। और इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा, ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है मुझे, इसको मूव कर लेना है। मूव करने के बाद कलर चेंज करेंगे, तो हम लोगों ने कलर बॉक्स पे क्लिक करके इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक कर दिया है। इसे मैं थोड़ा सा सेंटर में करूंगा ताकि इक्वल हो जाए। और यहाँ पर स्पाइसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है कॉपी करने के बाद यहाँ पे से स्पाइसी बर्गर को छोटा कर लिया है। और इस टेक्स्ट की हम लोगों ने सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट करेक्टर पर क्लिक करके इसका जो डिस्टेंस है वो कम कर लेंगे। तो ये 24 भी बहुत ज़्यादा है अभी, और टेक्स्ट हाइट भी कम कर ली है, इसे और कम करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट को ये टेक्स्ट में भी और एडिटिंग करनी है। ये जो छोटा छोटा काम होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, आपके डिज़ाइन को यूनिक बना देता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे सेंटर में कर लेंगे, सेंटर पे करने के बाद इसका टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे और यहाँ मैं यहाँ पे इसे कलर ऐड कर देता हूँ 6A1A1A, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस स्पाइसी बर्गर को डुप्लीकेट लेयर ऐड कर लेनी है कंट्रोल जे के साथ। और ये काल कलर चेंज कर लेंगे और लाइट सा लेके जाएंगे डार्कनेस पर और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, कोई फ़ोन नंबर ऐड करना है, वेबसाइट ऐड करना है, व्हाट्सएप कॉल का आइकन आप लगा सकते हो। तो मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए जस्ट ये एक डिज़ाइन के तौर पर कॉलर्स पे मैंने और ये नंबर रैंडमली ऐड कर दी है और इसे इधर एडजस्ट करना बता रहा हूँ कि एडजस्ट कैसे करना है। इसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इसका फॉन्ट कलर भी फॉन्ट भी हम लोगों ने चेंज करना है।
तो ये भी अभी अच्छा नहीं लग रहा फॉन्ट चेंज करने के लिए। फॉन्ट पर मुझे मोस्टली ये ठीक है, फिर भी मिलता जुलता थोड़ा सा, ये वही है ऊपर वाला सेम, लेकिन इसका फॉन्ट जो है वो ब्लैक मैंने कर दिया है। और ये यहाँ पर ये दो लेयर को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद कंट्रोल जे कर देना है। कंट्रोल जे करने के बाद इनको मूव कर लेना है। और यहाँ पर हम लोग कोई भी वेबसाइट या कोई अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, QR ऐड कर सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी का ऐड कर सकते हैं, विजिट वेबसाइट वगैरह का ऐड कर सकते हैं। इसको एडजस्ट कर दिया और ये माइनर सी सेटिंग कर लिया और हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।